कृष्ण सोचते हैं कि कहीं यहां राधा रानी आ गई मथुरा में, तो ये जो हमारी रानियां हैं पटरानियां, इनकी कौड़ी कीमत भी नहीं रह जाएगी, रुक्मिणी की क्या कीमत रह जाएगी। उसमें लिखा जिस समय कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जिस समय ये राधा रानी भगवान कृष्ण के पास पहुंची गई मिली, कृष्ण भगवान ने बड़ा रुक्मिणी को कहा देखो अब वो राधा रानी वृषभान नंदिनी और सब उनकी अंतरंग सखियां ललिता विशाखा अरण्य देवी चित्रा आदि आदि सब देवियां आ रही हैं, तुम सब उनका स्वागत करना सम्मान करना बड़े आदर से। हाँ हाँ महाराज खूब आदर करेंगे। रुक्मिणी विशेष करके रुक्मिणी तो बहुत ही सुशील बहुत ही शीतल, उसके मन में तो जरा सा भी कोई भाव आता ही नहीं। सत्यभामा तो जरा बड़ी मानिनी, सत्यभामा सुना नहीं एक दिन भगवान नारद जी आए हंसते हंसते कल्प वृक्ष का फूल लाए, कल्प वृक्ष का फूल और ला करके दोनों बैठी थी, रुक्मिणी भी बैठी थी सत्यभामा भी बैठी थी, तो भगवान को कल्प वृक्ष का फूल दे दिया और स्वयं तमाशा देखने लग गए। तो कृष्ण ने सोचा भाई बात तो ठीक है, सम्मान तो हम ज्यादा सत्यभामा ही का करते हैं, लेकिन अब ये तो ज्येष्ठ पत्नी है रुक्मिणी और अग्निहोत्र में यही प्रधान है, क्योंकि ज्येष्ठ पत्नी के द्वारा ही अग्निहोत्र होता है, अग्निधान जो है हमारा अग्निहोत्र वो इसी के अधीन है, अग्नियों का पूरा शुश्रूषण यही करती है। जब तक बलवैष्ण देव न हो जाए जब तक हम ना आ जाए तब तक भोजन लिए बनाए हुए बैठी रहेगी, दोपहर हो तीन पहर हो रात हो बैठी रहेगी। इसको छोड़ करके ये फूल हम सत्यभामा को देंगे ये बिल्कुल विरुद्ध होगा लोक व्यवहार, इसलिए मन में रहा कि सत्यभामा को ही फूल देना चाहिए, परंतु इस सब भावों के अनुसार उन्होंने रुक्मिणी को पुष्प दे दिया। रुक्मिणी प्रधान थी, ठीक है रुक्मिणी के मन में कोई बात नहीं, ले लिया। इतने में नारद जी को सत्यभामा के घर पहुंचे, बोले बोलो सत्यभामा अब कहो, तुम तो कहती थी कि श्री कृष्ण प्रेयसी सबसे अच्छी हमी है, हाँ देखो तुमको फूल दिया, कितना उत्तम फूल था, हम नंदन वन से लाए थे, सोचा था कृष्ण को देंगे तो कृष्ण को सत्यभामा को ही देंगे, उन्होंने तुमको कहां दिया, क्या कहना था, तो सत्यभामा नाराज हो गए कुपित हो गई। भगवान पहुंचे मान मनाया बनाया, बोले क्या, अरे तुम समझती नहीं, तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष लाना है, उनको तो फूल दे दिया था, फूल दे दिया, फूल में क्या बात रखी, अब तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष ला कर रखे, तब प्रसन्न हो गई हाँ महाराज फिर कल्प वृक्ष लाओ। फिर सत्यभामा को गरुड़ पर चढ़ाकर गरुड़ पर साथ लेकर भगवान इंद्रलोक पहुंचे और इंद्र को समाचार भेजा नारद को, जाकर नारद कह दो कृष्ण आए हैं नंदन वन से कल्प वृक्ष दे दो और नहीं तो संग्राम करो। कह रहे तो गुप्ता थोड़ी बहुत लड़ाई उड़ाई भी हुई, अंत में इंद्र ने जो है सो कल्प वृक्ष दे दिया। कल्प वृक्ष लेकर भगवान कृष्ण आए सत्यभामा के घर में, कल्प वृक्ष की स्थापना की। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई, बोले हम बड़ी भाग्यशालिनी है, देखो नारद जी गुरु जी हमसे अधिक कोई दूसरा भाग्यशालिनी है, बोले हाँ तुम बड़ी भाग्यशाली, तो देख सत्यभामा अब तू ऐसा कर इस कल्प वृक्ष को और उसके साथ कृष्ण को दान कर दे, उसे जन्म जन्मांतर युग युगांतर कृष्ण और कल्प वृक्ष तुझको मिलता रहेगा। बोले हाँ ये बहुत अच्छा, दान देने को तैयार, दान गुरु जी कौन दान लेगा, बोले मुझसे अधिक अच्छा ब्राह्मण कौन मिलेगा, मुझसे अधिक अच्छा ब्राह्मण कौन मिलेगा, मुझको ही दान दे दो। बोले ठीक, तो कृष्ण को राजी कर लिया, महाराज दान करेंगे, बोले हाँ दान कर दो। कृष्ण को और कल्प वृक्ष को दोनों को दान किया और नारद जी ने लंबा हेमाद्री का संकल्प पढ़ा,
जो श्रावणी में पढ़ा जाता है लंबा चौड़ा। तो इस प्रकार वो संकल्प पढ़ करके दान मान ले लिया। और आमतौर पर होता है कि पत्नी दान की जाती है या पति दान किया जाता है तो यही होता है कि उसके बदले में कुछ रुपया दे देना, कुछ सोना दे देना, कुछ पैसा दे देना, हो गया दान। और क्या इतना उनको पत्नी दे दी जाती है या क्या नाम पति दे दिया जाता है उसके बदले में कुछ दे देते हैं। तो रत्नामा ने कहा लीजिए महाराज कोई चीज ले लीजिए इनको दे दीजिए हमको। बोले हमको कोई चीज देते नहीं, हम तो इन्हीं को ले जाए, हमको क्या आवश्यकता है, धन की जरूरत नहीं है, ये रहेंगे हमारे कमंडल धोएंगे लेके चलेंगे। होता आप सत्यभामा घबराने लगी, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, बहुत आग्रह किया। तो मैंने कहा अच्छा तो एक काम करो, एक तराजू के पड़े पे इनको बिठलाओ, एक तराजू के पड़े पे कुछ रख दो, इनके बराबर कोई चीज हो दे दो। वो भी नारद जी का कुछ कुतूहल ही था। तो बस तमाम रोज सत्यभामा ने अपने घर का अच्छा से अच्छा रत्न, अच्छा से अच्छा भूषण, अच्छा से अच्छा अलंकार, उत्तम उत्तम वस्तु ला करके पल्ले पर दूसरे पल्ले पर रखती गई। तो श्री कृष्ण का पल्ला तो भारी उठा ही नहीं। हो नारद जी कहने लगे भाई कुछ भी रख दे तो लोहे रख दे, नहीं सोना हो तेरे पास इतना, इस पल्ले में कृष्ण के बराबर तो कोई चीज दे। परेशान हो गए, इतने में कोलाहल बचा तो रुक्मिणी के पास खबर गई। रुक्मिणी आई, क्या हो रहा है? तो कहा दीदी जी इस प्रकार से हमने इनको संकल्प कर दिया, दान कर दिया, अब क्या करें, इनके बराबर कुछ होता ही नहीं। कहा तू कुछ समझती नहीं, बेसमझ। इसम हटा, एक तुलसी का पत्ता ला, इस पत्ते पड़े पधार दी। तुलसी का पत्ता, वाह तुलसी का पत्ता रखा, वो पत्ता भारी कृष्ण का पड़ रहा। तो नारद जी लीजिए महाराज तुलसी का पत्ता। तो इस तरह से रुक्मिणी बड़ी शांत बड़ी गंभीर, उसी को भगवान ने नियुक्त किया राधा रानी का स्वागत तुम कर। तो जिस समय राधा रानी पधारी, राधा रानी एक दासी गई, दासी की दासी की दासी की दासी, उसका ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा अद्भुत प्रकाश, ऐसा अद्भुत तेज, उसको रुक्मिणी ने समझा कि राधा रानी पधारी हैं। बड़े प्रेम से उसी ने स्वागत। अरे उसने कहा मैं तो राधा रानी नहीं, मैं तो उनकी दासियों की दासियों की दासियों की दासी है। तो अच्छा अच्छा तो ठीक है। फिर तो उसके बाद दूसरी आई, उसको नहीं बोला आपने ये तो जरूर ही राधा रानी होंगी। उसका स्वागत के लिए उठी तो उसने भी कहा हम दासियों की दासी। फिर तीसरी आई तब भी यही हुआ। अंत में जब राधा रानी आई सचमुच उनका अनंत प्रकाश अनंत तेज अद्भुत वैभव लोकोत्तर सौंदर्य अद्भुत माधुर्य लोकोत्तर करुणा अद्भुत उनका प्रेम अनुराग महाभाव की दशा प्रतिक्षण महाभाव के उन्माद में कृष्ण प्रेम में निमग्न। तो धन्य धन्य हो गई राधा रानी उनको दे राधा रानी का दर्शन करके रुक्मिणी धन्य धन्य हो गई और उनका बड़े प्रेम से सम्मान किया। राधा रानी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया क्योंकि इस समय तो कृष्ण की प्रेयसी यही है, उनका बड़ा आदर किया बड़ा सम्मान किया। वहां पर कहते हैं बतलाया है कि एक दिन भगवान ने कहा देखो जरा वो राधा रानी को दूध दूध पीती है रात को, इसलिए जरा उनके दूध का इंतजाम करना। हाँ ठीक है ठीक है। तो उन्होंने जो है दूध का प्रबंध किया और ले जाकर के स्वयं रुक्मिणी उनको दूध पिलाने के लिए पहुंची। तो दूध थोड़ा गर्म था दूध। तो राधा रानी ने सोचा कि ये श्री कृष्ण की सेवा में रहती हैं हर समय, हम विलंब करेंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए गर्म ही दूध उन्होंने पी ली, गर्म दूध पी लिया। राधा रानी वो क्या नाम रुक्मिणी वहां से लौट गई, वहां जाकर भगवान का चरण रोज भगवान का चरण सम्मान करती थी, पांव दबाती थी। तो जिस समय चरण स्पर्श किया कृष्ण ने कहा अरे जरा धीरे से पांव में छाला पड़ गया। बोले कैसे हुआ ऐसे महाराज छाला कहां? अरे बोले तुमने जो गर्म दूध पिलाया था राधा रानी को, हमारा चरण तो उनके हृदय ही में रहता, हमारा चरण तो राधा रानी के हृदय में ही रहता, तो गर्म दूध पीने से चरण में छाला पड़ गया। क्या उनकी महिमा क्या कहना राधा रानी की आनंद। हाँ इस तरह से ये सब आख्यान।
इस प्रकार से ये सब बातें अत्यंत उत्कृष्ट भावना की है और उसी अवस्था में ये भावनाएं व्यक्त होती हैं जहां प्रेमोन्माद की एक लोकोत्तर अवस्था भी व्यक्त होती है। इस दृष्टि से राधा रानी भगवान कृष्ण के प्रति उसी प्रेमोन्माद में इस प्रकार का कुछ उद्गार प्रकट करती हैं और कहती हैं कि असल में कृष्ण डरते हैं कि राधा रानी यहां आएंगी तब सब रुक्मणी आदि का क्या होगा, इसलिए मधुप तुम जाकर के राधा रानी के पांव स्पर्श करने के बहाने से पांव में काट दो। आने लायक नरेजा ऐसा उनका ये मन में भाव होगा, उसी को लेकर के मधुप आया है और ये ऐसा करना चाहता है, इसलिए तू खबरदार मेरा पांव मत छू, कृपा कर दूर से धन्यवाद कर, तुझे श्रद्धा हो तो दूर से ही कर ले। ये इसी तरह से अन्य अन्य भी अनेक भाव हैं और राधा रानी कहती हैं हे मधुप तुम्हारे श्याम सुंदर तुम्हारे सखा और तुम वस्तुतः जा करके तुम अपने सखा से कह दो इधर राधा रानी यहां कभी नहीं आएंगे, त्रिकाल में नहीं आएंगे, तुम निश्चिंत रहो, निश्चिंत होकर अपना जो काम करते हो करते चलो, वो आपके सुख में बाधा डालने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगी, निश्चिंत रहो, ये सब ऐसा कार्य ऐसी क्रियाकलाप मत करो। इस प्रकार से विनोदमय प्रेममय अनेक प्रकार के आलाप राधा रानी कर रही, इसी बीच में एक ये भी भाव है, एक है धनपति सूरी पंडित बड़े जबरदस्त वेदांती और कृष्ण के अनन्य भक्त, कृष्ण के अनन्य भक्त, उनकी टीका है भाव विभाविका पंचाध्यायी पर है और यहां भी हर गीत पर भी, हर जगह तो नहीं वहां भी नहीं मिलती, वेणु गीत में नहीं मिलती। और तो वो कहते हैं श्रृंगार रस के वर्णन प्रसंग में रसशास्त्रानुसार महर्षि सुखदेव ने इस प्रकार का भाव अभिव्यक्त किया, लेकिन साथ ही अपना जो सिद्धांत है उसका भी प्रतिपादन इसी श्लोक से करते हैं। तब वो काचिन मधुकरण दृष्टवा, काचित माने कहते तत्त्वमस्यादि रूपा मुख्या श्रुति, काचित माने मुख्या श्रुति, कौन श्रुति तत्त्वमस्यादि रूप मुख्या श्रुति, वेदांतों में वेदों में मुख्य श्रुति है तत्त्वमसी, वो जीवात्मा को बतलाती है तू अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा परस्पर परब्रह्म भगवान का ही स्वरूप है, ये तत्त्वमस्यादि जो मुख्या श्रुति है वो कहती है। मधुकरण दृष्टवा, मधुकरम माने जीवम, मधु करोति इति मधुकरः, मधु करोति इति मधु, मधु माने माने अपने अपने कर्मों द्वारा, मधु माने मधुवत प्रिय जो विषय, प्रिय विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो मनोरम प्रेमास्पद विषय है वही मधु है। कहते हैं मधुलवई शमयन दुरापई ही, दुराप जो मधुलव है मधु के बिंदु, उनसे अपने तापों को मिटाने की कोशिश करता है जीव, विषयों के सुख बिंदु से सुखलेश से विषय जनित सुखलेश से अपने तीनों तापों को मिटाने की असफल चेष्टा जीव करता रहता, असफल चेष्टा कभी सफल होता है, विषयों के द्वारा पूरी अपने हर तापों का
उपशमन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए जानमाम पुष्पताम वाचम प्रबदंते विपश्चिता। तो पुष्पिता वाणी माने पुष्पवत बहुशोभमाना, फूल की तरह जो बड़ी सुहावनी लगने वाली वाणी, ऐसे विषय जो है शब्द संभोग, स्पर्श संभोग, रूप संभोग, रस संभोग, गंध संभोग, ये भी मानो मधु 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 जैसा मीठा लगता है, ऐसे विषय भी मधु जैसे मीठे लगते हैं। तो अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा मधुवत मनोरम विषयों का निर्माण करने वाला, विषय सुखों की रचना करने वाला जीवात्मा मधुकर है। तो काचन मधुकरन दृष्टवा, वो मधुकर को जीव को देख करके ध्यायन्ते कृष्ण संगमम, वो सोचती है कि आज से जीव से कृष्ण संगम कथन से, इस जीव को कृष्ण संगम कैसे हो। श्रुति क्या चाहती है? जीव का ब्रह्म के साथ संगम हो जाए। निर्गुणवादी कबीर कहते हैं मेरे पिया की सेज सातवें महल में पिया की सेज, पिया की सेज में कैसे पहुंचू। कबीर जैसे निर्गुणवादी बाबा जी परस्पर निर्गुण ब्रह्म भगवान को पिया मानकर उनके सातवें महल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आदि कोश हैं, ये महल है। इन महलों को पार करो, अन्नमय के भीतर जाओ, प्राणमय के भीतर जाओ, मनोमय के भीतर जाओ, विज्ञानमय के भीतर जाओ, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में पहुंचो। तो उस पिया की सेज में जाने के लिए बेहबल। तो इस तरह से वो पृथ्वी कहती है कृष्ण संगमम ध्यायंती अस्य मधुकरस्य जीवस्य कृष्ण संगम कथन से आत। कृष्ण का संगम कैसे हो? कृष्ण माने ब्रह्म, कृष्ण भूवाच का शब्दो नस्य निर्वृत्ति वाच कहा तो वैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते। कृष्ण का अर्थ है अनंत सत्ता, अखंड सत्ता। अणा का अर्थ है अनंत आनंद, विशुद्ध आनंद। तो अनंत आनंद और अनंत सत्ता माने स्व प्रकाश परात्पर परम ब्रह्म, उसका इस जीव का संगम, समागम, अभिन्नता, एकता कैसे हो, यही तो तत्त्वमसी वाक्य सोचती रहती। तत्त्वमसी वाक्य तत्त्वमसी आदि वाक्य रूपा श्रुति यही सोचती रहती। तो काचन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदम् अब्रवी। समझा कि ये जीव कौन है? बोले प्रिय प्रस्थापितं, प्रियेण परमात्मना प्रस्थापितं, प्रेषितं। परमात्मा ने ही तो इस जीव को संसार में भेजा। हंताहम अनेन जीवेन, अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविष्ट नाम रूपे व्याकर वाणी। छांदोग्य की श्रुति कहती है कि परमात्मा सोचता है मैं जीव रूप से, मैं ही जीव रूप से इस तेजो अपअन्न, तेजो अपअन्न रूपा जो तीन देवता है, तेजो रूपा देवता, अन्न रूपा देवता, अप रूपा देवता, तेजो बन्न रूपा देवता में प्रविष्ट होकर के, जीव रूप से प्रविष्ट होकर के सारे विश्व के नाम रूप का व्याकरण करूं। तो इस तरह से परमात्मा का प्रेषित ये दूत प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वा, दूत की कल्पना, समझा कि इसको तो प्रिय ने भगवान परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने इस जीव को भेजा, तो उसकी कल्पना करके इदम अब्रवीत ये बोली। माने क्या है, जीव परमेश्वर का दूत बनकर आता है, श्रुतियों से वार्तालाप करता है, श्रुतियों से वार्तालाप करता है। श्रुतियां
भगवान की नायिका, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान की नायिका उनको बोधन करती हैं। कोई अन्य पूर्विका, कोई अनन्य पूर्विका, कोई श्रुति अनन्य पूर्विका है, कोई श्रुति अन्य पूर्विका है। वे साक्षात परब्रह्म से संबंधित हैं, सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां ये अनन्य पूर्विका हैं। सीधी सीधी कृष्ण के साथ परब्रह्म के साथ इनका संबंध। कोई श्रुतियां अग्नि आदि देवता का प्रतिपादन करती हैं, अग्नि वरुण कुबेर इंद्र आदि देवताओं का प्रतिपादन करती हैं। पहले तात्पर्य विधया जब विवेचन होता है उपक्रमोपसंहारादि खड्ग लिंग से विवेचन के बाद ये निश्चित होता है कि सभी श्रुतियों का अखंड संबंध कृष्ण ही के साथ है, इंद्र वरुण कुबेर आदिकों के साथ इनका मुख्य संबंध नहीं। तो वो अन्य पूर्विका जिनका अन्य संबंध प्रथम विज्ञात होता है, तात्पर्य निर्णय के अनंतर ब्रह्म संबंध विज्ञात होता है, वो अन्य पूर्विका है। और जिनका पहले से ही कृष्ण संबंध ही प्रतीत होता है, अग्नि वरुण कुबेर आदि देवताओं के साथ संबंध प्रतीत ही नहीं होता, वो अनन्य पूर्विका है, सीधे सीधे कृष्ण के साथ जिनका संबंध है। तो दोनों प्रकार की श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों से ही पहले जीवात्मा की बातचीत होती है। श्रुतियों के साथ संबंध जोड़ करके, श्रुतियों के साथ विचार करके, तब परमात्मा स्वरूप स्वात्म स्वरूप का निर्णय करता है। स्वात्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप का निर्णय करके फिर अभेद को, अखंड अनंत अभेद को ठीक ठीक समझता है। इस तरह से काचिन मधुकरण दृष्टवा और ध्यायन्ति कृष्ण संगमम और प्रिय प्रेषितम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदम अब्रवीत। क्या मधुप कितव बंधो हे मधुपो, सदा मधुपान करने वाला मधुपो, माने सदा विषय रस परायण, विषय रस परायण मधुप कौन, जैसे मधुप मद्यपान परायण होता है, मद्यपान परायण मधुप होता है। तू जीव अनादि काल से विषय रस परायण, कृष्ण रस परायणता को भूल गया, ब्रह्म रस परायणता को भूल गया, भक्त रस पान की बात को भूल गया, विषय रस परायण हो गया। तो हे मधुप, तुम मांस प्रश विषयों को स्पर्श मत कर, विषयों को स्पर्श मत कर, मोक्ष निश्चित चेता विषयान विषवत्यज, हेतात मोक्ष चाहता है, परात्पर परब्रह्म को चाहता है, भगवान को चाहता है, कृष्ण से मिलना चाहता है, विषयान विषवत्यज, विषयों को विष तुल्य त्याग दे। विष को त्यागता है वैसे विषयों को त्याग दे। मांस प्रश्न मत स्पर्श करें। तो ये तू है तो अखंड सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म स्वरूप, अखंड सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म स्वरूप है, परंतु तू करता भोगता सुखी दुखी अनेका रस परिपूर्ण होकर के जो भटक रहा है संसार में, किस लिए भटक रहा है, बोले किताव बंधु, तू कितव का बंधु बन गया है, कितव का साथी। कितव कौन है, कितव है चित्त, कितव है चित्त, चित्त ही सच है, कितव है। तू क्या करता है, तेरी ही सत्ता से सत्तावान होकर, तेरी ही स्फूर्ति से स्फूर्तमान होकर, चित्त की अपनी कोई सत्ता है, चित्त की अपनी कोई स्फूर्ति है, कुछ भी नहीं। योग भाषित में कहते हैं चित्त है क्या, बोले सात्मा सर्वो रामो नित्योदित बकुर महान समनान मननी शक्तिम धत्ते तन मन उच्यते। जो सर्वगामी आत्मा, सर्वव्यापी आत्मा, अनंत खंड सच्चिदानंद घन व्यापक आत्मा, वही मनात मननी शक्ति को धारण करके मन बन जाता है। तो तेरी सत्ता को, तेरी स्फूर्ति को लेकर के,
सत्तावान होकर स्फूर्तिमान होकर और विषयों का प्रलोभन देकर नाना प्रकार के विषयों का प्रलोभन देकर के और तुझे संसार दावा नरक संसार दावा नरक ज्वाला जटिल प्रपंच में तुझे डाल करके और परेशान कर। चित्त जो है संसार के दावा नल ज्वाला माला भी संसार का जो दावा नल है संसार में कहां आग लग रही है चारों तरफ संसार में जैसे किसी भयंकर अरण्य में आग लग रही हो तेरे संसार रूपी मन में आग लग रही। आध्यात्मिक ताप एक तरफ आध्यात्मिक ताप एक तरफ आज भौतिक ताप एक तरफ जरा अखबार पढ़ो तो देखो तो क्या हो रहा है दुनिया में जरा रेडियो सुनो तो दुनिया में क्या हो रहा है कि किसी हॉस्पिटल में चले जाओ देखो कितने रोगी क्या करा रहे हैं कैसे कैसे परेशानी हो रही पता चल जाए संसार क्या है। ये तो प्राणी असल में अपनी स्थिति को भूला हुआ है तो इसलिए संसार दावा नलक ज्वाला माला में तुझसे सत्ता स्फूर्ति पा करके विषय का प्रलोभन दे करके तुझे इस मार्ग ज्वाला माला में डाल दिया है तू परेशान हो रहा है कितव बंध हो। इसलिए इस कितव को चित्त को कितव मा स्पर्श इस कितव का स्पर्श मत चित्त का संबंध तोड़ दे। अन्योन्याध्यास जो है ना अंतःकरण और आत्मा का जो अन्योन्याध्यास है वही सर्वानर्थ का मूल है। आत्मा और अंतःकरण का अन्योन्याध्यास टूट जाए सारे बंधनों से प्राणी एकदम विमुक्त हो जाता है। इस तरह से लंबी राम कहानी है कल फिर बताएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम डॉक्टर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का की बंधो मास प्रशांघिन सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुम स्मृतिर्न बहत मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम जदु सदस्य विडम्यम जसि दूतस्त्वमी दृक कुछ आध्यात्मिक अर्थ का वर्णन चल रहा था प्रासंगिक उसका पूरा वर्णन कर लिया जाए तो फिर दूसरा अर्थ किया जाए। तो ये माना गया है कि गोपांगना स्वयं श्रुत रूपा श्रुति जो है वेद वेद के मंत्रों की अधिष्ठात्री महाशक्तियां वेद मंत्र हैं अपरिगणित हैं गिनती नहीं अनंता वै वेदाः अनंत वेद 1131 शाखा वेदों की मानव बुद्धि गम्य मनुष्य बुद्धि गम्य परंतु और जो अनंत वेद हैं केवल ईश्वरिक गम्य है या ईश्वर के जो भक्त हैं देवता लोग देवता की बुद्धि से गम्य। तो इसलिए श्रुतियां माने मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद मंत्रों की मंत्रों और ब्राह्मणों के जो मंत्र हैं उनकी अधिष्ठात्री महाशक्तियां वही बोलती हैं या नहीं और वो अनंत पांगना और जीव भी अनंत हैं जीव भी गोपांगना भाव को प्राप्त होते भगवान की परा प्रकृति जीव और अपरा प्रकृति अष्टधा प्रकृति भूमिरापो नलो वायु खन मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा
आठ प्रकृति अपरा प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहं तत्व महत तत्व अव्यक्त तत्व ये आठ अपरा प्रकृति हैं और जीव भूता प्रकृति परा प्रकृति अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो इत्यादि। तो परा प्रकृति जीव परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों प्रकृतियों के द्वारा भगवान जगत की सृष्टि जगत की लीला जगत की क्रीड़ा करते हैं। तो परा प्रकृति रूपा जीव भी जीव प्रकृति भी गोपांगना भाव को प्राप्त करते हैं। जितने जीव गोपांगना भाव को प्राप्त करते हैं उतने जीव मुक्ति को पाते हैं। जो जीव गोपांगना भाव को नहीं प्राप्त होते वो जीव मुक्ति से दूर रहते। गोपांगना भाव माने गोपांगनाओं की तरह तदधीन हो जाना। तदधीन तो है ही है जीव स्वभाव से, लेकिन मूर्खता बस जानता नहीं तदधीनता को, मानता नहीं। स्वाधीनता का नाटक रचता है, हम स्वतंत्र हैं। है तो सभी जीव जैसे हरेक प्रतिबिंब बिंब के परतंत्र, हरेक प्रतिबिंब बिंब के परतंत्र, हरेक तरंग जल के परतंत्र। कोई तरंग नहीं जो जल के परतंत्र ना हो, कोई प्रतिबिंब नहीं जो बिंब के परतंत्र ना हो। इस तरह से कोई भी जीव ऐसा नहीं, चाहे जीव को प्रतिबिंब रूप मानो तो, जीव को तरंग रूप मानो तो, किसी ढंग से जीव को मानो या घटाकाश की तरह अवच्छेद बाद मान लो तो, हर समय हर दृष्टि से महाकाश के बिना घटाकाश क्या ठहरता है, महासमुद्र के बिना तरंग क्या ठहरता है, बिंब के बिना प्रतिबिंब क्या ठहरता है। तो तदधीन स्थिति प्रवृत्ति मत्त होने के कारण माने परमात्मा के अधीन ही स्थिति गति प्रवृत्ति जीव की है, समुद्र के अधीन ही स्थिति गति प्रवृत्ति तरंग की है, बिंब के अधीन ही प्रतिबिंब की स्थिति गति प्रवृत्ति है। ऐसे जो जीव भगवान के अधीन ही अपनी स्थिति गति प्रवृत्ति मानता है, सर्वथा भगवान का किंकर, भगवान का दास, भगवान का भक्त, भगवत अधीन अपने को मानता है, वही गोपांगना भाव, वही गोपांगना भाव है। तो सभी जीव ऐसे ही, लेकिन लोग मानते नहीं, भ्रांति से अपने में स्वतंत्रता का आरोप करते हैं। तो जो जीव गोपांगना भाव को प्राप्त होते हैं, भगवत अधीन हो जाते हैं, अपना अपना अंतकरण मन अंतरात्मा सब कुछ भगवान में अर्पित कर देते हैं, और भगवान के होकर भगवान में तन्मय होकर रहते हैं, उन्हीं जीवों को भगवत पद प्राप्त होता है। इस तरह से परा प्रकृति रूप जीव भी गोपांगना भाव को प्राप्त होते हैं। अपरा प्रकृति के अधिष्ठात्री शक्तियां, अपरा प्रकृति के अधिष्ठात्री शक्तियां वो भी गोपांगना भाव को प्राप्त होती हैं, और श्रुतियों की अधिष्ठात्री महाशक्तियां वो भी गोपांगना भाव को प्राप्त होती है। ये सब गोपांगना भाव को प्राप्त होती है। इस प्रकार से गोपांगनाओं की संख्या अपार, तो उनमें सब में एक एक ढंग की अधिष्ठात्री महाशक्तियां, जैसे कि श्रुतियों में मुख्या श्रुति तत्त्वमस्यादि महावाक्य रूपा है, ठीक सब वेदों का लबोलवाब, सब वेदों का सार, सब वेदों का मन, सब वेद शीर्ष कहा जाता, वेद शीर्ष। तो इसलिए कहते हैं वेद, वेद का मस्तक भाग, वेद का बिल्कुल सुरत भाग, और उसमें भी तत्त्वमस्यादि उसका भी सार है, ये गोपांगना। इधर अपरा प्रकृतियों में बुद्धि वृत्तियां अनंत अनंत बुद्धि वृत्तियां गोपांगना, बुद्धि की वृत्तियां कितनी वृत्तियां होती गिन सकते हो, घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, प्रपंचकार वृत्ति, शब्दाकार वृत्ति, स्पर्शाकार वृत्ति, कितनी वृत्तियां कौन गिने, अनंत वृत्तियां। और अनंत वृत्तियों के साथ गोविंद भी अनंत बनते हैं,
जय जय गोपी तय तय कृष्ण, जितनी संख्या में गोपी उतनी ही संख्या में कृष्ण बने। अंगना मंगना मंतरे माधव, माधवम माधवं चांतरेणांगना, हरेक गोपांगना के बीच में माधव है, हरेक माधव के बीच में गोपांगना, दो दो माधवों के बीच में एक एक गोपांगना और दो दो गोपांगनाओं के मध्य में एक एक माधव, इसलिए माधवम माधवं चांतरेणांगना, अंगना मंगना मंतरे माधव। प्रत्येक गोपांगनाओं के साथ साथ जो है सो गोविंद है, कृष्ण है, और प्रत्येक गोविंद के साथ गोपांगना, गोविंद का गोपांगना का साधारण संबंध है, इसलिए गोविंद नाम पड़ा। गोविंद, गोविंद माने जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनगुरी पर उठाया, 7 दिन तक इंद्र ने वरम कुपित होकर के अखंड वर्षण किया, तो भी भगवान ने उसी महान गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर कनगुरी पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा किया, इंद्र का मान मर्दन हुआ, तब इंद्र ने आकर के गोविंद नाम धरा कृष्ण का, गोविंद नाम। बोले आपके भैया तो इंद्र हैं, अब आप गोविंद बन। इंद्र तो हुए वामन के भाई, देवराज इंद्र, और भगवान कृष्ण हुए गोविंद, गवाम इंद्र गोविंद, गऊओं का जो इंद्र है वही गोविंद है। गौआ गवाम गोपी नाम, गवाम गोपा नाम गोपी नाम च इंद्र, वो गोविंद जो गऊओं का इंद्र, गोपियों का इंद्र, गोपों का इंद्र, वो है गोविंद। तो गोविंद का गोपी जन बल्लभ गोविंद है, गोपी जन बल्लभ गोविंद है, उनका गऊओं के साथ गोपांगनाओं के साथ असाधारण संबंध है। देखो ना, हर एक वृत्ति पैदा होती है, वृत्ति के साथ चैतन्य भी रहता है, कहीं वृत्ति बिना चैतन्य के रहती है? वृत्ति के साथ चैतन्य लगा है, केवल वृत्ति तो कुछ ही नहीं, प्रकाशन नहीं कर सकती, घटाकार वृत्ति घट का प्रकाशन नहीं कर सकती, गंधाकार वृत्ति गंध का प्रकाशन नहीं कर सकती, स्पर्शाकार वृत्ति स्पर्श का प्रकाशन नहीं कर सकती, किंतु गंधाकार वृत्ति पर अभिव्यक्त चैतन्य वही गंध का प्रकाशन करता है, शब्दाकार वृत्ति पर अभिव्यक्त चैतन्य वही शब्द का प्रकाशन करता है, ऐसे तत्दाकाराकारित वृत्तियों पर अभिव्यक्त प्रतिफलित जो अखंड चैतन्य, वो चैतन्य ही तत्त्व वस्तुओं का प्रकाशक होता है। तो जहां गोपांगना है तहां गोपेंद्र, गोपांगना जहां जहां है तहां गोपेंद्र गोविंद अवश्य विद्यमान, जहां जहां वृत्ति है वहां वृत्ति अभिव्यक्त वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है, और दो दो वृत्तियों के बीच में एक संधि होती है, दो वृत्तियों के बीच अभी स्पर्शाकार वृत्ति पैदा नहीं हुई, दो वृत्तियों के मध्य चाहे घटाकार वृत्ति की धारा चलती हो, चाहे शब्द स्पर्शादी वृत्ति की धारा चलती हो, हर एक दो वृत्ति के बीच में संधि रहती है, संधि में शुद्ध ब्रह्म प्रकट होता है। जैसे दीवार है, दीवार पर कांच लगे हैं, एक कांच, दो कांच, तीन कांच, कांच जड़े हैं या शीशे जड़े हैं, दर्पण जड़े हैं, दीवार पर दर्पण जड़े हैं, और सूर्य नारायण का प्रखर प्रकाश सामने, सूर्य नारायण का प्रखर प्रकाश सामने है, तो प्रकाश, सूर्य नारायण का प्रकाश जो है एक तो शीशों पर प्रतिबिंबित हो रहा है, वह सीधे दीवार पर है, एक दीवार पर शीशों से रहित जो दीवार, दो शीशों के बीच की जो संधि है, जो दो कांचों के बीच की संधि, तो दो कांचों पर भी सूर्य नारायण का प्रकाश फैला हुआ है, और दो कांचों के बीच में जो शुद्ध दीवार है उस दीवार पर भी वो प्रकाश फैला हुआ है, सौरालोक दोनों पर फैला,
पर वो कांच पर सौरा लोक ज्यादा चमकता है और दीवार पर दोनों कांचों के बीच की जो संधि है दीवार पर वहां सामान्य प्रकाश रहता है। सामान्य प्रकाश, विशेष प्रकार, विशेष प्रकाश और सामान्य प्रकाश। दीवार के बीच दो, दीवार पर दो कांचों के संधि में बीच में जो प्रकाश है वो सामान्य प्रकाश और कांच पर जो प्रकाश है वो विशिष्ट प्रकाश। जैसे वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, विशिष्ट चैतन्य, और दोनों वृत्तियों के बीच में जो चैतन्य है वो सामान्य चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य। सामान्य चैतन्य ब्रह्म चैतन्य है, विशिष्ट चैतन्य सोपाधिक चैतन्य है। तो हरेक हरेक वृत्ति के बीच में जैसे संधि होती है, संधि में शुद्ध प्रकाश व्यक्त होता है, वृत्ति पर अभिव्यक्त चैतन्य की अपेक्षा वृत्ति के बीच में, दोनों वृत्तियों के बीच में शुद्ध चैतन्य की अभिव्यंजना होती है, वही माधव। दो वृत्तियां गोपांगना है और दो वृत्तियों के बीच में जो है संधि निष्ठ सामान्य चैतन्य, वो गोविंद है। और फिर एक एक वृत्ति भी दो दो संधि के बीच में है, जैसे दो वृत्ति के बीच में संधि, ऐसे दो संधियों के बीच में वृत्ति, इधर संधि बीच में वृत्ति। तो इधर संधि बीच में वृत्ति माने इधर गोविंद बीच में गोपांगना, और ऐसे एक एक संधि भी दो दो, दो दो वृत्ति के भीतर है, एक एक संधि भी दो दो वृत्ति के भीतर है, इसलिए दो गोपांगना के बीच में एक गोविंद और दो गोविंद के बीच में एक गोपांगना, यही रासलीला, यही रासलीला। इस रासलीला में साधारण वृत्तियां तो गोपांगना है और इनमें जो परब्रह्माकाराकृत वृत्ति, अखंडाकारावृत्ति प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न पर ब्रह्माकाराकृत वृत्ति, और राधारानी, वो राधारानी है। सभी वृत्तियों में प्रधान, सारे माया तत्कार्यात्मक प्रपंच को विधुनन करके अखंड अनंत सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का स्फुटीकरण करने वाली वो जो है सो वो वृत्ति मुख्य वृत्ति, अथवा यह समझ लो और वृत्तियां हैं, बुद्धि है, राधा रानी बुद्धि है, निर्मल प्रज्ञा, ब्रह्माकारा काल शुद्ध प्रज्ञा बुद्धि है। तो आओ सब उसकी वृत्तियां हैं और बुद्धि है, इजीलिए माना है। देखो आप ये समझो, ये गोपांगना राधा रानी से भी अधिक त्याग वाली ऐसी गोपांगना है कि जिनको जो कि बड़ी सुंदरी, राधा रानी जैसी सुंदरी, राधा रानी जैसा ही यौवन, राधा रानी जैसा ही सौंदर्य माधुर्य, राधा रानी जैसा ही भूषण बसन अलंकार, राधा रानी से बिल्कुल न्यून नहीं, अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौरस्य, अनंत सौगंध, दिव्य यौवन, अनंत प्रभाव। लेकिन इनकी विशेषता यह है कि कृष्ण को सदा ये सख्य भाव से भजती, कांत भाव से कभी भजती, कृष्ण के प्रति इनके मन में कांत भाव कभी उदित ही नहीं होता, कांत भाव पैदा ही नहीं होता। कृष्ण हमारे कांत हैं, प्राणनाथ हैं, प्रियतम हैं, ये भाव कभी उनके मन में पैदा नहीं होता। वो केवल राधा कृष्ण दोनों की सखी, दोनों की सखी, उनकी सेवा करना और उनके उनके जो परस्पर प्रेम है उसी परस्पर प्रेम का रस आस्वादन करती। इसलिए कई लोग कहते हैं, कई लोग तो निराकार निर्विकार निर्गुण ब्रह्म को भजते हैं और कई लोग निराकार सच्चिदानंद घन गोविंद को भजते हैं। तो पर एक भक्त कहता है कि हम तो भाई नहीं दूसरी हम बात कहना चाहते, वो कहते हम तो बंदे तब प्रेम बंधन, बंदे अहो चित्रम बंदे तब प्रेम बंधनम, अहो आश्चर्यम, हम तो उस
निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म की वंदना नहीं करते, सगुण साकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वंदना नहीं करते, किंतु प्रेम बंधन की वंदना करते हैं। बंदे तक प्रेम बंधनम, कैसा वो प्रेम बंधन है? अरे वैसा प्रेम बंधन है जिस प्रेम बंधन में अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणियों को मुक्ति देने वाला नित्य शुद्ध मुक्त मग, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म जिस बंधन में बंध करके गोपांगनाओं का खिलौना बन गया। जद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम ब्रह्म क्रीड़ा मृगी कृतम, जिस बंधन में बंध कर अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणियों को मुक्ति देने वाला और स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म गोपांगनाओं का क्रीड़ा मृग हो गया, खिलौना हो गया, उस प्रेम बंधन की हम वंदना करते। तो गोपांगनाओं का कृष्ण में कांत भावना नहीं है, ऐसी गोपांगना कम है, ये ठीक है, कांत भाव होती भी बहुत सी गोपांगना है, उनकी अनेक भाव है, तो पर सत्य भाव शुद्ध सत्य भाव होती गोपांगना कृष्ण में कांत भाव नहीं रहता। क्या वो क्या उनका क्या भाव है? वो कृष्ण और राधा का जो प्रेम बंधन है वो प्रेम बंधन में ही उनका प्रेम है, कृष्ण में प्रेम नहीं, राधा में प्रेम नहीं, राधा कृष्ण में का जो प्रेम बंधन है वो प्रेम बंधन का ही वो रसास्वादन करती है। प्रेम बंधन सब हित हरिवंश जी हुए, हित हरिवंश जी वृंदावन धाम वाले, वो राधा रानी के भक्त थे, बस श्री राधा रानी ब्रजरानु नंदिनी के ही भक्त थे, कृष्ण को आदर करते मानते, तो किस लिए मानते? बोले हमारी स्वामिनी, हमारी श्री स्वामिनी श्री ब्रजभानु नंदिनी राधा रानी ब्रजभानु नंदिनी के वो प्रियतम है, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा धर्म है। जो हमारी स्वामिनी के प्रियतम है, प्राणनाथ है, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य, कर्तव्य बुद्धि से अपनी स्वामिनी के प्रियतम में प्रेम करते हैं, उनका प्रेम शुद्ध रूप से राधा रानी है। इसलिए कहते मेरी प्राणनाथ श्री राधा शपथ करो तुम थियो, शपथ करती हूं अपना अंचल अंचल स्पर्श करके मैं शपथ करती हूं मेरी प्राणनाथ श्री राधा, मेरी प्राणनाथ श्री राधा रानी। वो राधा रानी के ही अनन्य भक्त हैं और राधा रानी की परिचर्या में रहती हैं, राधा रानी और कृष्णचंद्र परमानंद कंद की मंगलमयी लीलाओं का संभाल करती हैं, साज करती हैं, दोनों मूर्छित होते हैं तो दोनों को संभालती हैं, प्रेमानंद में दोनों निमग्न होते हैं उनको सावधान रखती हैं, सुरक्षित रखती हैं, ये सब होते हुए भी सखी भाव की है। हित हरिवंश जो है वेणु बंसी रूपा सखी मानी जाते, बंसी रूपा सखी, तो वो शुद्ध सख्य भाव होती हैं, उनमें कभी भी कृष्ण के प्रति भी काम वासना नहीं, इतरत्र तो काम वासना होने की कल्पना भी क्या हो सकती है। अनंत कोट कंदर्प दर्प दमन पटियान भगवान कृष्ण में भी जिनको काम भावना है, इनके समान त्याग किसका हो सकता है? तो बोले विशद क्यों, ऐसा क्यों है? एक समाधान है इसका, इसका समाधान ये है कि जैसे कल्पलता को पानी दे देने से कल्पलता के पल्लव और पत्रों को पानी अपने आप मिल जाता है, उसी तरह से राजा रानी ब्रजभानु नंदिनी रूप कल्प बल्ली के ये सब शाखा उपशाखा पत्र पुष्प पल्लव ये सब सखियां राधा रानी ब्रजभानु नंदिनी रूपा कल्प बल्ली के वो सब पल्लव हैं, पत्र हैं, इसलिए राधा रानी के ही श्री कृष्ण संस्पर्श से उनको सबको श्री कृष्ण संस्पर्श का सुख मिल जाता है। राधा रानी को जो कृष्ण संस्पर्श प्राप्त होता है
राधा रानी के कृष्ण संस्पर्श से ही उन सबको कृष्ण संस्पर्श प्राप्त हो जाता है। अलग से उनको कृष्ण संस्पर्श की अपेक्षा नहीं है, जैसे पल्लवों को पत्रों को अलग से पानी की अपेक्षा नहीं है, वैसे रघुपांगनाओं को अलग से श्री कृष्ण संस्पर्श की अपेक्षा नहीं। इस तरह से वो तृप्त है, अत्यंत तृप्त है। इस प्रकार से ये इनमें अवान्तर भेद, तो यहां पर इनकी बड़ी अंतर्मुखता, तो इसलिए कृष्ण भी इनको प्रसन्न रखने के लिए जो सकाम है उसका तो कामना पूर्ण करके उसको प्रसन्न कर दे। जो सकाम है उसकी तो कामना पूर्ण करके प्रसन्न कर दे, पर जो निष्काम है काम पूर्ण काम आत्मा राम निष्काम है, वो परम भक्त है, तो उनके संबंध में सोच विभोर पड़ता है भगवान को भी, इनको क्या करूं, इनको कैसे इनका किस प्रकार से हिताचरण, किस प्रकार से इनसे प्रेम करें, ये बात। इस प्रकार से इन गोपांगनाओं के अनेक भेद, बुद्धि रूपा गोपांग बुद्धि राधा रानी भगवान नंदिनी, वृत्त रूपा गोपांगना उधर जो है तत्वमस्यादि वाक्य रूपा भगवान नंदिनी, इतर श्रोत्र रूपा गोपांगना, इस प्रकार से जीवों में भी हिरण गर्भाधिष्ठात्री महाशक्ति, हिरण गर्भाधिष्ठात्री महाशक्ति, अभ्याकृताधिष्ठात्री महाशक्ति, ये जो है सो राधा रानी है। इतर जो दृष्टि जीव है, दृष्टि जीवाभिमानी, दृष्टि जीवाभिमानी तत्त्व शक्ति है वो सब गोपांगना। इसी प्रकार से अवान्तर सर्वत्र संगति लगा लेना चाहिए। तो इस दृष्टि से यहां सुप्रीम रूपी गोपांगना है और वो जीव को प्रकृत मनुसरा महा, तो वो जो जीव है जीव को ही दूतं कल्पयित्वा प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वा, प्रिय माने पर प्रेमास्पद, प्राणी के निर्वत से निरुपाधिक पर प्रेम का आस्पद जो भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु उनके द्वारा प्रस्थापित प्रेषित प्रवेशित अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आदि कोशों में प्रवेशित प्रस्थापित जो दूत है, कौन आत्मा जीवात्मा, हंता हम अनेन आत्मना तीर्थ्रो देवता प्रवेश नाम रूपे व्याकर्माणी इत्यादि, तेज अप अन्न इन तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर जीव रूप से तेज अप अन्न रूप तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर नाम रूप का व्याकरण, वो जीव वही जीव दूत उसी जीव रूपी दूत को देखकर समझकर इदम बोली, हे मधुप कल सब वर्णन किया उतना समझ लेना है? माने विषय रस पारायण हे मधुप, विषय रस रूपी मधुप करने वाला विषय रस पारायण मधुप, और अखंड आनंद सच्चिदानंद घन का ब्रह्म स्वरूप, ये जो गड़बड़ी हुई तो कर्ता भोक्ता सुखी दुखी होकर अनर्थ परिप्लुत होकर भवाटवी में भटक रहा हो, इसलिए कि तू कितो बंधु हो गया, कितो बंधु हो गया, कितो कितव चित्तम चित्त ही कितव है सठ है, ये तुमसे ही सत्ता प्राप्त करके तुमसे ही स्फूर्ति प्राप्त करके और तुमको ही विषयों का प्रलोभन दे करके और संसार दावा नरक ज्वाला माला में तुमको डाल दिया, इसलिए चित्त कितव है सठ है, उसके तू बंधु बन गया है, कितो का साथ चित्त का साथी बन गया है ना, जीव चित्त का साथी बन गया, चित्त का अनुसरण करता, चित्त जो कहा उसको करता, चित्त जो कहा वही जीव करता,
मन जो कहे वही जीव करता है। ध्यायतीव ले लायतीव बुद्धो ध्यायन्त्यम ध्यायतीव, बुद्धि ध्यान करने लगती है तो आत्मा भी ध्यान करने लगता है। बुद्धि लेला खेला बिलास में लग जाती है तो आत्मा भी लेला खेला बिलास में लग जाता है। बुद्धि का अनुसरण करता है, चित्त का अनुसरण करता है। चित्त का अनुसरण करने से ही ये कर्ता भोक्ता बन गया, सुखी दुखी बन गया, अनेका नर्स पर भवातबी में भटकने वाला बन गया। चित्त का संग छोड़ दे तो बस कहते हैं चाह चूड़ी चाह चमाड़ी चाह नीचों की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच, तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चौड़ न होती। तो चाह किसका रूप है? तई का तो रूप है। काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा भी इत्येत सर्वम मनुदेह। काम संकल्प श्रद्धा अश्रद्धा रिधि भी सब मनई सब मनई। तो मन का आश्रयण करके, मन के परिणाम भूत काम का आश्रयण करके, इच्छा का अनुसरण करके जीवात्मा संसारी हो गया। संसारी होकर भवाटबी में भटक रहा है। तो परम कल्याणमयी करुणामयी भगवती श्रुति तत्त्वमस्यादि रूपा श्रुति जीव को संबोधित करती हुई कहती है, हे मधुप हे विषय रस परायण हे जीव, तू शुद्ध सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म का स्वरूप है। तू अनर्थ परे प्लुत भवाट भी जो भटक रहा है उसका हेतु है चित कितो बंधो कितो बंधु हो गया। चित्त तादात्म्य अभ्यास से, अंतकरण के तादात्म्य अभ्यास से शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का आरोप होता है। इसलिए तुम सावधान होकर विवेक परायण बनो। बोले मां कैसे विवेक परायण बने, ये अन्योन्याध्यास कैसे छूटे? चित्त के साथ अंतकरण के साथ जो आत्मा का अन्योन्याध्यास है वही संसार है। आत्मा और अंतकरण का अन्योन्याध्यास जो है वही संसार है। इसी के द्वारा सारा दुख सुख है, सारी विपत्ति संपत्ति है। ये अन्योन्याध्यास छूटे तब कुछ काम बने, तभी मोक्ष भी होगा। ये अन्योन्याध्यास कैसे छूटे ये बताओ मां। तो भगवती श्रुति कहती सपत्न्याङ्घ्रिमास्पृशो, जो सपत्नी है मैंने माया हुआ। माया जो है अविद्या तत्वान्यत्वाभ्याम निर्वक्तु अनर्हा अविचारित रमणीय भाव रूपा अधिष्ठान ज्ञान विनशनशीला, ऐसी जो माया है वो माया वही सपत्नी है। जीव जो है वो श्रुति की तरफ चलता है तो माया उसको पकड़कर विषयों की ओर फेंक देती है। जीव चलता है श्रुति के साथ मेलजोल करने, वेद के साथ श्रुति के साथ, वेद के मंत्रों की अधिष्ठात्री महाशक्तियों के साथ मेलजोल करने चलता है तो उससे छीन करके हटा करके वो माया जीव को संसार की ओर लगा देती है, इसलिए उसको सपत्नी कहती। हाँ, तो वो सपत्नी जो माया है, सपत्नी जो माया है उसका जो अंगी है चरण, तू माया का चरण पकड़ करके माया का दास बन गया। जैसे कोई स्त्री जित पुरुष, ऐसा पुरुष हो जो स्त्री के द्वारा जित हो, स्त्री ने जिसको जीत लिया हो अपना दास बना लिया, तो जैसे स्वामित्वम विस्मृत स्त्री जित प्राणी अपने स्वामिता को भूल जाता है, मैं स्वामी हूं भूल जाता है और उसका कहीं उसका किंकर बन जाता, कामिनी किंकर बन करके कइंकर ज्यादा दुर्दशा को प्राप्त होता है। कइंकर ज्यादा दुर्दशा को प्राप्त होता है। स्त्री का चरण पकड़कर
स्त्री का चरण घुसारी होकर और अपने स्वामित्व को भूल कर जैसे कैंकर जादि दुर्दशा को प्राप्त होता है, ऐसे तू है तो माया का स्वामी है, तो तू ये माया का स्वामी है, क्योंकि सच्चिदानंद घन पर परमात्मा का कई रूप तेरा रूप है और वो परमात्मा माया का स्वामी है। लेकिन उस माया का स्पर्श करने से, माया का चरण स्पर्श करने से, चरण माने उसके अंश है, पाद है, पादों से विश्वाभूतानी, माया के भी पाद है, अंश है, तो एक अंश को ही माया के कण को भी छू लो, माया के अंश को छू लो, माने माया का चरण स्पर्श किया, माया का चरण स्पर्श करने से ही स्वामित्व भूल जाता है, अनंत ब्रह्मांड अधिष्ठानता भूल जाती है, सर्वेश्वरता भूल जाती है, ब्रह्म ब्रह्म रूपता भूल जाती है, और उस माया का दास बन करके अनेकानर्थ परिपोत भवाटवी में भटकने लगा है तू। इसलिए इसी बात को श्रुतियां कहती है, कौन श्रुतियां कहती है, द्वा सुपर्णा सजुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरे कप्पे परं स्वाद्वक्त नश्नन्नन्यो अभिचाकसीति। भाई प्रासंगिक की भी व्याख्या करनी आवश्यक है, खाली अगर शुद्ध सीधा इन श्लोकों का अर्थ करें हम तो कोई सुनने का अधिकारी नहीं, और लोगों की बुद्धि में अन्यथा भावना उत्पन्न हो जाएगी, कृष्ण के प्रति राधा के प्रति शुद्ध प्रेम भावना न हो करके अन्यथा भावना हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जे यह गावी चरित संवारे ते ही ताल चतुर रखवारे। तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरित मानस सरोवर जो हमने बनाया है इसके रक्षक कोई होने चाहिए, रक्षक नहीं, रक्षक हो तो फिर सूकर उकर आकर के इसमें लौटने लग जाए, सरोवर में कोई आ जाए, इसलिए इस चार ताल के चतुर रखवारे होने चाहिए। कौन? जो संभाल कर इस चरित्र को गाते हैं, तो संभाल कर गाना माने इसका असर क्या पड़ रहा है, क्या उल्टा तो असर नहीं पड़ रहा है। कथाओं का प्रयोजन है भगवत भक्ति की वृद्धि, भगवत प्रीति की वृद्धि, वैराग्य की वृद्धि, विवेक की वृद्धि और भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान, यही सब कथा का फल है। अब ये न हो करके कहीं राग की ओर प्रवृत्ति हो, कहीं काम की ओर प्रवृत्ति हो, ये तो गड़बड़ है, उल्टा है कथा, उल्टी कथा का फल। तो अगर केवल मात्र सीधा षष्ठी पंचमी करके सीधा अनुवाद कर दें तो फिर काम का नहीं है, वो हानिकारक हो जाएगा, इसलिए उसका उपम ब्रह्मण करके विस्तार के साथ उसका विवरण करने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव नहीं। इसलिए ये बीच में श्रुत अर्थ भी, श्रुति पक्ष का भी अर्थ वर्णन करना अत्यंत उपयोगी है। हाँ, तो इस प्रकार से श्रुति कहती है कि वो जो सपत्नी माया है तो क्या द्वा सुपर्णा सजुजा सखाया, इसका मतलब ये हुआ कि जीवात्मा परमात्मा दोनों एक संसार रूपी वृक्ष की देह रूपी टहनी पर बैठे हुए पक्षी, ये संसार सारा वृक्ष, क्योंकि वृष्टनाथ वृक्ष जो हर समय कटता रहता है, छिन्न भिन्न होता रहता है, उसी का नाम वृक्ष। संसार क्षण भंगुर है, हर समय पिछला संसार खत्म होता चलता है, नया संसार आता रहता है। जैसे गंगा का पानी जो सवेरे था वो पटना पहुंच गया, अब जो आया काशी में तो दूसरा है, एक पानी नहीं है गंगा में, जिस पानी को देखते वो एक पानी नहीं है, प्रातःकाल वाली पाप पानी दूसरा, इस समय का पानी, अरे क्षण क्षण का पानी दूसरा,
गंगा जल में गंगा के प्रवाह में क्षण क्षण का पानी दूसरा, पहला पानी आगे चला पिछला पानी आगे आया, इस तरह से क्षण क्षण में दूसरा पानी। दीप की शिखा क्षण क्षण में दूसरी, प्रथम एक एक क्षण में पुरानी नष्ट होती रहती, नई नई पैदा होती रहती। तो जैसे दीपक की शिखा, दीपक की लाइट, दीप शिखा क्षणभंगुर है, क्षण क्षण प्रवाह रूप से नवनवायमान होकर आती है, इसी प्रकार से गंगा प्रवाह भी क्षण क्षण नवनवायमान होकर नया नया आता है, पुराना पुराना चला जाता है। इसी प्रकार से संसार क्षणभंगुर है, माने सरिताओं के प्रवाह की तरह, दीपक की शिखा की तरह संसार भी एक नहीं है। एक क्षण में जो था वो दूसरे क्षण में नहीं, नया नया संसार नया। इसीलिए बौद्ध कहते वैराग्य पैदा हो जाएगा, एक ही वस्तु हो तो उसे आनंद मिला, याद आएगा भाई इससे आनंद मिला इसको फिर पकड़ो, इससे आनंद मिला इसका फिर अनुसरण करो। बौद्ध कहता है जिससे आनंद मिला वो तो कहां से कहां खत्म हो गया, नष्ट हो गया, दूसरी चीज है। इसलिए संस्कार नहीं है, संस्कार न होने से राग होने का कोई प्रसंग नहीं उठता, क्योंकि क्षणभंगुर संसार, क्षणिक संसार क्षण क्षण में विनष्ट होता रहता है। इसमें इसलिए जो पहला उपकारक संसार तुम्हारा तुमको सुख देने वाला आनंद देने वाला वा संसार वो चला गया, ये दूसरा है, नया है, तीसरा है, चौथा है आया। इस प्रकार से क्षण क्षण में विनश्वर होने वाला संसार वृक्ष है, इस वृक्ष पर शरीर टहनी शाखा, इस पर रहने वाले जीव परमात्मा दो पक्षी, जीव परमात्मा दोनों विषम नहीं है, सम विषम नहीं सम, क्योंकि दोनों पक्षी कौन पक्षी है, पक्षी।